हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास 14 इंच का एक वीडियो कॉन का टीवी आया है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक करेंगे। जैसे देखिए मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है, पावर इंडिकेटर अंदर में जल रहा है और जलने के बाद इसका जो चैनल प्लस बटन है उसको दबा के मैं स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ। और रिलीज कर देने के बाद हमारा कैसे वाला पिक्चर है वो देख लीजिए। थोड़ा टाइम के बाद हमारा एक लंबा सा लाइन आ रहा है और ये हॉरिजेंटल वाला लाइन आ रहा है और ये वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, हमारा जो सिंगल लाइन जो प्रॉब्लम होता है वो हमारा स्ट्रेट रहता है। देखिए ये हमारा स्ट्रेट नहीं है, ये देखिए इधर पे हमारा थोड़ा सा बैंड हुआ है हमारा लाइन। और बैंड हुआ है मतलब ये देखिए हमारा बैंड हुआ है लाइन, और बैंड हुआ है मतलब इसका जो वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम जो है वो वर्टिकल रिलेटेड जो हमारा आईसी सेक्शन होता है या पीसीबी सेक्शन होता है, पीसीबी सेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं टीवी खोलने से पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, हमारा जो पीसीबी पे जो वर्टिकल लाइन आता है, जो वर्टिकल आईसी ख़राब होता या कुछ वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम होता तो क्या होता, हमारा ये वाला लाइन हमारा पूरी तरह से स्ट्रेट रहता। लेकिन इस पे बैंड हुआ हुआ है, और बैंड हुआ है मतलब क्या हुआ, हमारा टीवी का जो लाइन बैंड हुआ है मतलब हमारा योक कॉइल का प्रॉब्लम है, योक कॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम दिख रहा है। और दोस्तों मैं टीवी को पहले खोलूँगा, खोलने के बाद दिखाऊँगा कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को पहले ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद देखता हूँ कहाँ पर प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिए हमारा 14 इंच का ट्यूब, इसका योक कॉइल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों हमारा जो आज का जो प्रॉब्लम आया है, ये वाला प्रॉब्लम कहाँ से आया है वो बता देता हूँ। हमारा आज का मेन पीसीबी का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो हमारा वर्टिकल आईसी दिख रहा है, वर्टिकल आईसी LA7804040 का ये वाला जो वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल आईसी का भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका प्रॉब्लम आया कहाँ से वो देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ कितना वोल्टेज रहता है, इसीलिए पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज नहीं पता चलेगा तो इसका फॉल्ट भी आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को पावर देंगे। पावर देने के बाद मैंने पावर दे दिया, पावर इंडिकेटर जल चुका है, ये देखिए पावर इंडिकेटर जल रहा है। और जलने के बाद एक मीटर पॉप को मैं ग्राउंड कर दूंगा, और ग्राउंड कर देने के बाद दूसरा पॉप पे मैं वोल्टेज चेक करूंगा। जैसे इस मीटर को मैं 200 रेंज पर रख लूंगा, 200 रेंज पर रख लिया, और रखने के बाद टीवी को स्टार्टिंग करेंगे। इस बटन को दबाने से ये टीवी स्टार्टिंग हो जाता है, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद पहले मैं पहले पावर सेक्शन को चेक कर लेंगे। देखिए इस पर कितना वोल्टेज आ रहा है, ये देखिए 116 वोल्ट। दूसरा की वोल्टेज कितना रहेगा, इस वाला पॉइंट पे, ए वाला पॉइंट पे रहेगा, ये देखिए 12 वोल्ट। और तीसरा नंबर पर रहेगा 40-16 वोल्ट, अरे 12 वोल्ट आ रहा है वो सही है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए वर्टिकल आईसी पे कितना वोल्टेज रहता है, ये जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी पे कितना वोल्टेज रहता है, वो वोल्टेज कहाँ से आता है, वो वोल्टेज आता है हमारा ये वाला ESTी कॉइल से। ESTी कॉइल से दो वोल्टेज तैयार होता है, वो वाला वोल्टेज आता है, मैं देख रहूँगा कहाँ पे वोल्टेज है, ये हीटर का पॉइंट, इस पर एक मिलेगा हमारा 180 वोल्ट। देखिए 180 वोल्ट मिल रहा है, 90 वोल्ट 200 तक। और हमारा इस पर वोल्टेज मिलेगा इस वाला पॉइंट पे, इस वाला पॉइंट पे 26 मिल रहा है, और इस वाला पॉइंट पे भी 27 वोल्ट मिल रहा है। मतलब ये तो हमारा एक डायोड के थ्रू जो वोल्टेज दिया गया है वो वोल्टेज, और मिडिल वाला जो पॉइंट है, मिडिल वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड है, देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है। मतलब वर्टिकल आईसी पे वोल्टेज पहुंच रहा है। उसके बाद वर्टिकल आईसी को टेस्ट करने के लिए एक आसान तरीका होता है, आप लोगों को पहले भी वीडियो पर बताया हूँ, इसको टच करना है।
टच करने के बाद ये जो लाइन है, लाइन हमारा फिकरिंग होना चाहिए था, फिकरिंग नहीं हो रहा है, मतलब हमारा वर्टिकल आईसी ही खराब है, सही नहीं है। इसीलिए इसका वोल्टेज चेक करना और भी एक जरूरी होता है इसका योक कॉयल का पॉइंट पे, जो हमारा वर्टिकल जो योक कॉयल है, योक कॉयल पे आएगा जो पॉइंट है, इस पे देखिए 12 वोल्ट मिल रहा है और इस पे भी हमारा 15 वोल्ट मिल रहा है। ये 15 वोल्ट नहीं मिलना चाहिए था, ये सेम वोल्टेज मिलना चाहिए था, लेकिन इस पे थोड़ा सा ज़्यादा है 15 वोल्ट और इस पे मिलेगा हमारा 12 वोल्ट, मतलब वोल्टेज डिफरेंस हो गया है। ये डिफरेंस कहाँ से होता है? डिफरेंस होता है हमारे योक कॉयल से। देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम है, एक तो हमारा इनपुट हुआ है इस पे जो योक कॉयल पे, देखिए 18 वोल्ट, और दूसरा पॉइंट पे भी चेक करेंगे इस पे 17.9 बता रहा है, तीसरा पॉइंट पे हमारा 15 वोल्ट बता रहा है, लेकिन इस पे तीनों पॉइंट पे डिफरेंस वोल्टेज है। ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, सेम वोल्टेज होना चाहिए था, लेकिन इस पे डिफरेंस दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? ये योक कॉयल अंदर से रास पड़ के कट गया है, इसीलिए योक कॉयल का पिक्चर खराब हो चुका है। योक कॉयल जो हमारा हॉरिजेंटली पिक्चर जो बढ़ाता है वर्टिकल सेक्शन के लिए, हॉरिजेंटल जो पॉइंट है, ये हॉरिजेंटल लाइन आ गया है, लेफ्ट राइट जो लाइन बोला जाता है, लेफ्ट राइट लाइन आ गया है और योक कॉयल काम नहीं कर रहा है। इसीलिए दोस्तों क्या करेंगे, पहले योक कॉयल को चेक करेंगे। जैसे इसको मैं आपको कनेक्ट कर दिया और इसको बाजार मोड पे रख लूँगा, बाजार मोड पे रखा, इसको बाजार मोड पे दे दिया, देने के बाद मैं इसको कनेक्ट करूँगा। ये देखिए, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर पे हमारा बाजार बज रहा है, लेकिन तीसरा नंबर पे हमारा बाजार नहीं बज रहा है, मतलब ए वाला कॉयल तो हमारा सही दिख रहा है, लेकिन दूसरा वाला कॉयल हमारा ख़राब हो चुका है। इसीलिए ही दोस्तों मैं पहले ही टीवी को खोलने से पहले आप लोगों को बताया था, हमारा वर्टिकल आईसी खराब होता, वर्टिकल आईसी खराब होता या वोल्टेज डिफरेंस होता, तो ये जो वोल्टेज 27 वोल्ट आ रहा है, ये डिफरेंस होता तो क्या होता, हमारा टीवी पे जो एक सिंगल लाइन आता वो स्ट्रेट होता, लेकिन हमारे योक कॉयल पे हमारा दो कॉयल से ही, एक कॉयल से ही है, एक कॉयल खराब हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा बैंड है, इसीलिए ही हमारा वर्टिकल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल योक कॉयल को चेंज करना ज़रूरी होता है, और चेंज करके नया वाला लगाने से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लोग बताएंगे तो लगा के दिखाइए। वो दिखाने के लिए दोस्तों हमारे पास नया वाला कॉयल नहीं है, मेरे पास एक टेस्टिंग का कॉयल है, एक कॉयल को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं पुराना वाला कॉयल को खोल चुका हूँ और मैंने जो टेस्टिंग कॉयल के बारे में बताया था उसको कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा। पावर देने के बाद हमारा टीवी पे पावर आ चुका है, मैं टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज कर दूंगा। रिलीज हो गया है, और रिलीज होने के बाद दोस्तों एक गौर कीजिए, हमारा टीवी स्क्रीन पे जो पिक्चर का प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये जो थोड़ा सा छोटा सा पिक्चर दिख रहा है, ये वाला प्रॉब्लम हमारा योक कॉयल को मैचिंग करने से आ जाएगा, लेकिन जो हमारा सिंगल लाइन आ गया था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और एक गौर कीजिए, हमारा जो वोल्टेज डिफरेंस दिख रहा था वो वाला वोल्टेज डिफरेंस है कि यार नहीं, इस पे देखेंगे तो देखिए 14.6, और इस पे भी चेक करेंगे देखिए 14.7, मतलब करीब करीब ही वोल्टेज आ गया है। मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था, आज का जो प्रॉब्लम था सिंगल लाइन, और सिंगल लाइन हमारा थोड़ा सा बैंड हो गया था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। कैसे सॉल्व हुआ है? हमारा वर्टिकल आईसी भी ख़राब नहीं था और हमारा वोल्टेज रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन योक कॉयल पे हमारा, इस पे तीन कॉयल है, दो कॉयल रहता है, ये कॉयल पे ये सिंगल कॉयल हमारा सही था, लेकिन दूसरा वाला कॉयल हमारा काट गया था, इसीलिए ही हमारा सिंगल वाला लाइन आ गया था और हमारा पिक्चर नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।